खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ खास देखा गया? आदि के बैठक में मायावती ने साफ कर दिया कि आकाश आनंद ही उत्तराधिकारी होंगे पार्टी के, और यही वजह है कि आकाश आनंद को फिर से एक बार नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। लगभग दो महीने पहले उन्हें इन पदों से हटा दिया गया था और उसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने इस बैठक में फिर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही आकाश आनंद को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि देश में होने वाले उपचुनाव में जो लोकसभा को लेकर होने हैं उनमें पार्टी जो है वो की जिम्मेदारी आकाश आनंद संभालेंगे इन चुनावों की। इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि जो पार्टी है वो एक बार फिर मजबूती के साथ लड़ेगी। इस पर समीक्षा भी की गई कि आखिर 24 में पार्टी जिस तरह से परिणाम चाहती थी उस तरह से परिणाम क्यों नहीं आए। उसके बाद ये तय किया गया है कि अब कैडर कैंप एक बार फिर तेजी से पूरे उत्तर प्रदेश में और खास करके देश में चलाए जाएंगे ताकि जो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता है उसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए। आने वाले जो चुनाव होंगे उसको लेकर भी रणनीति बनाई गई है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैसला बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से किया गया वो ये कि आकाश आनंद को फिर एक बार जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में बसपा के जो कार्यकर्ता है वो भी बहुत उत्साहित है, पदाधिकारी है वो भी बहुत उत्साहित है। एक युवा चेहरे के तौर पर एक बार फिर आकाश आनंद जो है वो पार्टी के जो है वो तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनके तमाम कार्यक्रम होंगे। ऐसे में पार्टी के संगठन के लोग हैं वो काफी उत्साहित दिखे। तो 24 की जो हार हुई उसकी समीक्षा के साथ ही बहुत मतलब बसपा प्रमुख मायावती ने बहुत इस पर गंभीरता से चर्चा तो की, लेकिन उसी के साथ एक कदम आगे भी पार्टी बढ़ गई और बसपा प्रमुख ने तय किया कि अब जो परिणाम आए उन्हें स्वीकार करना है, लेकिन इसके साथ ही अब आने वाले समय में बेहतर परिणाम आए इसको लेकर काम करना है। तो यही फैसले बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से लिए गए, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाएं और खास करके जो बसपा का वोटर है, बसपा का जो मतदाता है उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए ताकि किसी भी स्थिति में पार्टी एक बार फिर देश में प्रदेश में मजबूती के साथ आगे बढ़े। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आकाश आनंद का चेहरा है, एक युवा चेहरे के तौर पर बात करें तो समाज में युवाओं के बीच विश्वसनीयता के लिए एक बड़ा मोहरा भी साबित होगा। निश्चित तौर पर आकाश आनंद आप देखें इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी रैलियां हो रही थी उससे एक साफ संकेत मिल रहा था कि युवा चेहरे के तौर पर आकाश आनंद को पार्टी में तमाम संगठन में लोग पसंद कर रहे हैं। ये वजह है कि उनके कार्यक्रम में बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो है एकाएक उनके कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था चूंकि बसपा प्रमुख मायावती ने जो है ये कहा था कि आकाश आनंद के कार्यक्रमों पर कुछ दिन तक रोक रहेगी, लेकिन उसके बाद चुनाव संपन्न होने के बाद अब जब फिर से पूरे मामले की एक बार समीक्षा की गई तो बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया कि आकाश आनंद एक बार फिर से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे, इसके साथ ही पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे, उसके साथ ही जो युवा चेहरे हैं पार्टी में उनका प्रतिनिधित्व भी करेंगे। तो वो तस्वीरें अब आपको कम से कम आने वाले कुछ दिनों में दिखाई पड़ेगी। पिछले अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल की थी बहुजन समाज पार्टी ने, लेकिन इस बार जो है उसे अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले। शायद यही वजह है कि उसकी जो है समीक्षा आज हुई, समीक्षा को लेकर पूरे देश से लोग बुलाए गए थे और पिछली बार अगर बिल्कुल निखिल तो समीक्षा यहां पर की गई। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।